فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربعه يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم प्यारे भाइयों और अजीज़ बहनों असल वरह वक्त सूरे नूर की मुबारक आयात का जो ये सिलसिला चल रहा है जैसा कि इस सूरत की इब्तदा में जिना और फवाहिश, उसका हुक्म उसके रोकथाम के क्या इसबाब हो सकते हैं उस सिलसिले में गुफ्तगु चल रही थी फिर माई आयशा रजी अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने और उसकी एक मुकम्मल तरदीद की गई फिर अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर का जिक्र फरमाया वो नूर जो आयशा जैसी लोगों और ऐसे मोमिनों को मैसर है और उस नूर से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें महरूम कर दिया है उनकी दो किस्में बताई थी फिर उसके बाद जैसा कि कल एक दो आयतें हुई थी अल्लाह तबारक वाली ने अपनी कुदरत का जिक्र किया है और लोगों को मतनब किया है कि इस कायनात के अंदर जो आयतें हैं जो निशानियां अल्लाह ताला की हैं अगर कोई शख्स उसके पर गौर कर ले तो वो ईमान ले आएगा और अल्लाह तबारक व तालीद का इकरार करेगा ये बात मैं आपको वाद कर दूं कि कुरान मजीद के नज़ुल का जो असल मकसद है वो अल्लाह तबारक व ताल की तोहद और खसूस तौहद उलूत का क़याम है ये असल मकसद है उसके साथ साथ इस असल मकसद के तइद करने वाली और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन एक अहम और सबसे बुनियादी सबसे बुनियादी मकसद जिसे कहा जा सकता है वो क्या है अल्लाह तबारक वाली की तोहद यानी खसूस है। इसलिए आप देखें कि कुरान मजीद में जितना जोर तो के ऊपर दिया गया है किसी और मसले पर नहीं दिया गया है जहाँ कहीं भी कोई भी मसला छिड़ता है तो अल्लाह तबारक वाल दरमियान में तोहेद के दलाइल और तोहहीद के मसाइल को जरूर छेड़ता है फिर यहाँ इसीलिए यहाँ जब नूर से मुतक मुनाफे काफिरों और काफिरों की दोनों किस्मों का जिक्र फरमाया तो अल्लाह तबारक वाली ने काफिरों की एक और किस्म होती है या लोगों की एक और किस्म होती है कुछ लोग मोमिन होते हैं कुछ लोग काफिर होते हैं और कुछ लोग दरमियान में रहते हैं जो बातिन में काफ़िर हैं और जाहिर वो ईमान का करते हैं वो मुनाफिक होते हैं तो उनका जिक्र लाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तौहीद के कुछ दलाइल बयान फरमाए और इंसानों को मतनब किया कि अगर इसके ऊपर गौर कर लोगे तो हकीकी नूर हासिल करने में तुम्हें कोई दुश्वारी या कोई रुकावट पेश नहीं आएगी पहली दलील अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी थी वो यह है अलम तरा अन युस बखलहू मनफी समावती वाल यानी आसमान और ज़मीन की जो सारी चीज़ें हैं आसमान में जो फरिश्ते हैं जो लोग रहते हैं ज़मीन में जो चीज़ें हैं जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे अल्लाह तबारक वाली की हम दौड़तना और, और उसी की तस्वीर बयान करते हैं लिहाजा हुकूमत उसी की है बादशाह उसी की है और उसी के तरफ जाना है लिहाजा उसकी तोहेद का इकरार भी करना चाहिए फिर उसके बाद अल्लाह तला मजीद तो के ऊपर दलील देते हुए फरमाता है अलम तरा अल्लाह सहाबा अलम तरा यह बात कल गुजर चुकी है कि अलम तरा क्या आपने नहीं देखा लेकिन इससे मुराद क्या है क्या आपको इसका इल्म नहीं है और ये बात हमने कही थी कि किसी बात कोई बात जब वाज रहा करती है कोई बात बिल्कुल हर इंसान के समझ में आती है अगर इस उसके बारे में बताया जा अ, कोई बात बयान की जाती है तो कहा जाता है अरे तुम ये नहीं देखते तुम ये जानते नहीं यानी गोजा की ये बात मुसलम है ये नहीं कि आप ये जानते नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं सभी लोग उसको जानते हैं और शायद अलम ता, ता, अलम ता, अलम तालम को तरह से इस तरीके से वादे किया है कि इस चीज़ का हक होना ऐसे ही वादे है गोया कोई आदमी कोई चीज़ देख रहा है गोया या यकीन उसे हासिल है तो अलम तरा सहाबा क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक वाली यह इस कायनात में अल्लाह की कुदरत का जिक्र है और मैं कहता हूं कि यह कुरान का मुआजा है जिस ज़माने में बादल और बदली की यह कैफियत बयान की गई थी उस ज़माने में अभी इलम साइंस इतनी तरक्की नहीं किए हुए था और ना ही इंसान हवाई जहाज के ज़रिए इन बादलों के ऊपर जा कर के बादलों की कैफियत देखता था जो लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं ख़ासतौर बरसात का महीना हो तो वो अंदाज़ा लगाएंगे कि थोड़ा सा जहाज़ ऊपर जहां बादलों के ऊपर जाता है तो ऐसा ऊपर से फिर ऐसा दिखाई देता है कि ये बिल्कुल बादलों का पहाड़ है और टीले बाद, बादलों के पड़े हुए बादलों के हैं बसा अवकात ऐसा शुभहा होता है कहीं हम जमीन में किसी टीले और अल्लाह किसी पहाड़ को तो नहीं देख रहे हैं तो ये चीज जो है अल्लाह ताला जो बयान फरमाई है ये चीज कुरान का मोजज़ा है इसलिए कि ये इल्म जो आज तरक्की कर गया है इतना इल्म उस जमाने में खास तौर पर अरब के अंदर इसकी कोई तरक्की नहीं थी तो अल्लाह ताला फरमाता अलम तरा अन्नल्लाह क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है युजी सहाबा असजा युजी के माने होता है आहिस्ता से किसी चीज को लेकर के चलना हल्के चलना इसीलिए देखे सूर्य में बिबुदा मुसजा यानी थोड़ी सी यानी थोड़ी सी पूंजी तो युस जी सहाबा आप नहीं देखते कि अल्लाह तबारक वाला बदलियों को आकता है बदलियों को लेकर के चलता है बदलियों को जमा करता है फिर उन बदली में क्या करता है देखिए इस तावीर को देखिए तबारक वाला उन बदलियों को एक दूसरे के साथ जमा कर देता है अल्लाफा यूफूर मिलाना होता है तालीफ कलब इसी से यानी दिलों को मिलाया जाए किताब को के मुल्लफ को मुआल्फ इसीलिए कहते हैं कि वो कलाम को मालूम को हरूफ को उन किताब से लेकर उस किताब से लेकर ले के एक जगह जमा कर देता है तो मिला देता है तो सुमफु ब फिर अल्लाह तबारक व तदली के अंदर क्या है उनको मिला देता है फिर उसके बाद क्या हैलहू रुकामा रुकाम के माने होता है ढेर के जो चीज तह बते एक दूसरे के ऊपर हो फिर अल्लाह तबारा को ताला उस बदली को ताबीर देखिए जमीन पर रह करके कोई इंसान इस बदली की इस कैफियत को नहीं दे सकता जब ऊपर जाएगा फिर भी देखेगा कि हाँ एक बादल है उसके ऊपर बादल ऐसे बादलों का बिल्कुल एक टीला लगा लगा रहता है दिखाई देगा उसे बिल्कुल पहाड़ दिखाई देता है तो अल्लाह सहाबा क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व ताला बदलियों को आहिस्ता आहिस् हका करके ले आता है हवा के जरिए हूँ फिर उनके दरमियान उन्हें इकट्ठा कर देता है जमा कर देता है तुम मैं जालू हूँ रुका फिर अल्लाह तबारक व ताला उसे तहबत बना देता है जब तहबत बन जाती है तो फिर क्या होता है फतरुजुमिन फतरा बस आप देखें देखते हैं क्या देखते हैं अलवद अलव क्या है यानी बारिश के जो कतरे गिरते हैं उसे कहते वह फतरा अल आप देखते हैं कि बारिश के कतरों को यह निकलते हैं गिरते हैं मिन खिलाल ही उनके खिला उनके शगाफों से कितने बद, बदली के शगाफ से बदली के दरमियान से आप देखेंगे पानी के कतरे गिरते आते हैं तो ये अल्लाह तबारक व ताली ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है कि जिसकी कुदरत है गोया उससे चाहिए कि उसके ऊपर ईमान ले आए और फिर यहीं पर अल्लाह तबारक वाला ने इसी उफूक के अंदर एक ऐसी चीज का जिक्र किया जिसके लोग मुंतजर रहते हैं और जिसका बड़ा फायदा है फिर उसी के साथ साथ एक ऐसी चीज का जिक्र किया जिसका लोग इंतजार नहीं करते और उसका नुकसान होता है वो क्या है जलाबारी है बर्फ जो पड़ती है वो ओले जो पड़ते हैं तो अल्लाह तला फरमाता है कि वयुन जीरो मिन जिबाल और अल्लाह तबारक वाल नाजिल करता है आसमान से मिन जिबाल फी और आसमान में वो जो पहाड़ है आसमान के अंदर इसलिए कि इलम हदीस के मुताबिक भी ये बादल जब असल समुंदर से उठते हैं ये गर्मी की वजह से समुंदर से उठ करके ये बादल जाते हैं ऊपर की तरफ एक ऊपर के एक ऐसी मकदार में रहा करते हैं जहां ठंडक होती है तो उस ठंडक से भी पिघल करके पानी गिरते हैं। और अगर ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल जब जाते हैं और फिर वहां से ओले की बारिश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजों के जिक्र फरमाया इस मरहले का कि जब वो ठंडे हो करके वो भाप फिर पानी बन करके गिरती है उस मरहले का भी जिक्र फरमा रहा है कि और ऊपर गए जहां से वो बिल्कुल जम गए मुंजमिद हो गए और फिर वहां से वो जमीन के ऊपर आते हैं मिन जिबाल और नाजिल करता है आसमान से में जो पहाड़ है हा यानी उसी आसमान में बाद लोगों ने सबा कमाना ऊपर की तरफ किया है और ऊपर की जानिब जो वहां पर पहाड़ मौजूद है यानी आसमान में तो मिन जिबालिन। और अल्लाह तबारक वाला नाजिल करता है आसमान में उन पहाड़ों से जो आसमान है क्या बड़त किसके पहाड़ है वो बरत के पहाड़ है ओले के पहाड़ है तो अल्लाह तबारक वाले उससे औले नादिल करता है उसे ओले नादिल करता है यानी गोया अल्लाह तबारक वताला ही अपनी कुदरत से आज इसको साइंस की जुबान में चाहे जो कुछ कह लें आज साइंस में उसे इस एतबार से पढ़ा जाता है कि ये एक फितरी चीज है जो अपने आप हो रही है हालांकि अगर ये फितरी चीज होती अपने आप होती तो हम ये देखते हैं किसी साल धूप वैसे ही होती है लेकिन बारिश कम हो रही है बादल भी वैसे उठ रहे हैं लेकिन बारिश कम हो रही है और किसी साल हम ये देखते हैं कि धूप वैसी ही है और बादल उससे आ, बारिश उससे ज्यादा हो रही है तो असल ये सारी चीज के पीछे कुदरत का हाथ है जो ये बारिश को नादिल कर रहा है कभी घटाता है और कभी बढ़ाता है कभी इसी बादल से अल्लाह तबारक तआला पानी नादिल करता है और कभी इसी बादल से इंसानों को आदाब देने के लिए मतरबे करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ओले बारी करता है तो अल्लाह तआला फरमा रहा है और नाजिल करता है अल्लाह तबारक तआला आसमान में मिन जिबालिन जो पहाड़ है उसमें जो उसमें पहाड़ है क्या नादिल करता है बरा दिन ओले नादिल करता है यानी यह सारी खुदरत किसकी अल्लाह तबारक वाले की है फैस फ बेही मैशा उम मैशा फयूसीब बेही फिर असाब योसीबो के माने होता है पहुंचाना उसे देना उनके ऊपर नाजिल करना उस तक जो है उस शख्स तक उस चीज उस जगह तक इस चीज का पहुंचना तो फयूसी वही मैशाऊ अल्लाह तबारक वाला इसके जरिए से देता है मै या जिसको चाहता है या कहिए कि उसके जरिए से अल्लाह तला उसे मुसीबत में डाल देता है नुकसान पहुंचाता है उसे नुकसान पहुंचाता है जिसको चाहता है इसी ओले से वशरेफू अम्मन यशा और इस ओले को जिससे चाहता है अल्लाह ताला हवाओं के जरिए दूसरी तरफ फेर देता है इसीलिए देखें किसी इलाके में जब ओले की बारिश होती है तो एक खास जगह होती है बारिश के तरीके से ओले इस कदर आम पूरे इलाके में नहीं होते हैं बल्कि एक ही जगह देखिए पचास मीटर के और 500 मीटर के दरमियान में आप देखें फ़र्क पड़े देखेगा तो वहाँ पर जो है ओले के नहीं पड़े हैं और दूसरे के ओले पड़े हुए हैं तो फयोसीब भी अल्लाह तबारक व इन्हीं नुकसान पहुँचाता है इसी ओले के जरिए से जिसको चाहता है वह यशरे और इस ओले को फेर देता है जिससे अल्लाह तबारक व चाहता है बाद ने फोसीबही इससे बारिश और दोनों मुराद लिए है कि अल्लाह तबारक ये जो रहमत की जो बारिश होती है अल्लाह तबारक वाल इससे जिस बंदे को चाहता है अपनी रहमत पहुंचाता है और जिस बंदे से चाहता है अल्लाह तबारक वाल इस रहमत को फेर देता है तो गोया अल्लाह तबारक वाली कुदरत का बयान है आगे क्या बयान हुआ अबसार। यही बादल जिसे जिससे पानी की आप उम्मीद रखते हैं जिससे बारिश होती है और बसा औकात यही बादल जिनसे ओले पड़ते हैं इन्हीं बादलों से बिजली भी चमकती है और ये बिजली क्या होती है इतनी रोशन होती है इतनी रोशन होती है कि आंखों को चका कर देती है कोई आदमी अपनी आंख फाड़ करके भी देखना चाहे तो उसको नहीं देख पाता है तो यका बर्क ही सना माने रोशनी चमक बर्क ही उसकी बर्फ उसकी जो चमक है उसकी जो लाइट है उसकी जो बिजली है यद हबो बिल अबसार यकादु सना बर्क ही करीब है कि उसकी बिजली की चमक यद हबोबिल अबसार लोगों की नजरों को लेकर के चली जाए यानी लोगों की नजर को उचक ले उससे लोगों की नद बिनाई जाती रहे तो गोया अल्लाह तबारक ने इस बारिश के नजूल और किस तरीके से आसमान में बादल को जमा करता है यह बयान करके अल्लाह तबारक वाल अपनी कुदरत को का इजहार करके लोगों को अल्लाह तला अपने ऊपर ईमान लाने की और तोहद की दावत दे रहा है मजीद उसके बाद तोहीद की एक और दलील अल्लाह तला पेश फरवा रहा है कि के माने होता है उलटना पलटना तो युकल्लिबु अल्लाहु अल्लाह तबारक तआला रात और दिन का हेर फेर करता रहता है कभी दिन बड़ा होता है और कभी रात छोट बड़ी हो जाती है कभी ऐसा वक्त आपको घंटे दो घंटे मिलेगा जहां आपको धूप दिखाई देती है और कहीं देखेंगे आप वही कभी उसी को रात रहा करती है तो नहार अल्लाह तबारक वाली रात और दिन को उलट पलट करता रहता है ये भी अल्लाह तबारक वाल की कुदरत है अगर सारी दुनिया के लोग मिल करके भी चाहें तो इसके अंदर हेर फेर कतान नहीं कर सकते और ये अल्लाह तबारक वाल का बहुत बड़ा एहसान है इसलिए कि जिस तरीके से रात इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है वैसे ही इंसान की सेहत के लिए दिन भी जरूरी है इसीलिए आप देखें उसी इलाके में आबादी अमूमन रहा करती है जहां रात और दिन का सिलसिला है अलबत्ता जहां रात और दिन का सिलसिला नहीं है छ छ महीने तक रात रहती है छ छ महीने तक दिन रहा करता है वहां आबादी आपको मुश्किल से या चीदा चीजा चंद लोगों की दिखाई देगी तो अल्लाह तबारक वाला रात और दिन का को उलट पलट कर रहा है यह भी अल्लाह तला की अजाए कुदरत में से एक कुदरत है नफीदा बेला शुभ इसमें लबरत है नसीहत है किसके लिल ली उल अबसार उन लोगों के लिए जो आंखों वाले हैं या बसा बसीरत वाले हैं इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जो ये निजामे कुदरत रखा है हर आदमी उससे इबरत हासिल नहीं करता और ना हर आदमी इसके बारे में गौर फिक्र करता है हालांकि ये एक शरि मसला है इस सिलसिले में हर मुसलमान को सोचना और गौर करना चाहिए क्यों इसलिए कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व की कुदरत के ऊपर और अल्लाह तबारक व की तौहीद रबूबियत के ऊपर ज्यादा यकीन हो जाया करता है इसीलिए अल्लाह ताला ने अकलमंदों की बयान फरमाई है इन नफी खल समावती अलबाब अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है तो अल्लाह तबारक वाल कर रहा है उलट पलट कर रहा है बरा। इसके अंदर इस आसमान और जमीन के उलट फेर में लड़बर तलीउार साहब बसीरत जो लोग हैं अल्लाह तला ने जिन्हें बसीरत और अकलता फरमाई है उनके लिए और निशानी है आगे अल्लाह तबारक वताल दलायल कुदरत में से एक और दलील बयान फरमा रहा है तो दलाइल तोहहीद में से एक और दलील बयान फरमा रहा है अल्लाह तला फरमाता है वल्ला खाला का कुल लदाब बति गोया कि ये की ये तोहैद की यहां पर जो दलीलें पेश की जा रही है दूसरी तीसरी या चौथी दलील है तो वल्ला का कुल लदाब ममा और अल्लाह तबारक वताल ही है खला का जिसने पैदा किया है कुल्ला दाबतिन हर दाबा को दाबा या दुब्बो दब्बा या दुब्बो कहा चलना यानी हर वो जानवर जो चल रहा है जी रूह जिसे कहा करते हैं जैसा कि सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय अल्लाह तब फरमाता है कि आसमान पानी ही से हमने हर जिंदा चीज को अल्लाह ने पैदा किया है या पानी ही हर जिंदा चीज के लिए बाइस हयात है तो वह खला काबारक ने पानी से हर चीज को पैदा किया यह पैदा करने का दो माना हो सकता है एक तो यह कि असल जो पैदाइश है हर जानदार की वो क्या है पानी से और इसका मुशाह हर इंसान करता है हर इंसान करता है इसीलिए कि देखिए जानवर दो किस्म के हैं कुछ जानवर तो वो हैं जो नर और मादा के इत्तेसाल से पैदा होते हैं उनके लिए भी पानी की जरूरत है और कुछ जानवर वो हैं जो असल में जरासीम रहा करते हैं जैसे खाने पीने की चीजें रहती हैं उनमें तो अब ये जाहिर नहीं है कि हां भाई नर्मदा का इतार है लेकिन वहां भी वो जानवर पैदा हो जाते हैं जरूरी है कि वहां भी पानी का असर पाया जाए अगर बिल्कुल खुशक है तो उसमें नहीं रहेंगे तो कहने का मतलब यह है कि पानी का दोनों माना है एक माना तो है कि अल्लाह पानी ही से पैदा किया असल पानी ही से है और दूसरा माना यह हो सकता है कि यह पानी जिसका जिक्र ने इससे पहले वाली आयत में फरमाया है सहाबा यही पानी हर जानदार के लिए हयात है इसी पा, अगर पानी रहो तो इंसान जिंदा ना रह पाए पानी रहो तो कोई जानवर जो ये जान वाली जा, ये चीजें हैं ये जिंदा ना रह पाए जैसा कि ये चीज मुशाहदे में है तो والله خلق कुल دابته مما और अल्लाह तबाराक व तआला ने हर दाब हर जानवर को हर जीव रूह को किससे पैदा किया है पानी से फिर उसके बाद इसी में अल्लाह तबाराक व तआला अपनी एक और قدرت کا ذکر فرما رہا ہے یہ جو جانور اللہ تعالی نے پانی سے پیدا فرمائے ہیں فمنهم من يمشي على بطنه उनमें से कुछ कुछार ऐसे हैं जो अपने पेट पर चलते हैं जैसा कि हम इसका मुशाह करते हैं ये ले, ले सांप है ये छिपकिल्ली वगैरह है और कितने ऐसे जानवर हजारों लाखों जानवर हैं, आप देखेंगे कि जो जमीन के ऊपर ऐसे रौद कर चलते हैं हमिन हमयमसी अला बत नहीं उनमें से कुछ हैं जो अपने पेट पर चलते हैं वमिन हम अला रिजलैन कुछ ऐसे हैं जो अपने दो पैर पर चलते हैं वो जानवर जिसे अल्लाह ने पानी से पैदा किया है जैसे इंसान है मुर्गी है इस किस्म की जो चीजें हैं हम देखते हैं अला और कुछ ऐसे जानदार हैं जो चार पैर पर चलते हैं जिसका मुशायदा हम और आप कर रहे हैं अल्लाह तबारक तआला ने इन्हीं तीन का जिक्र किया है इन्हीं तीन का जिक्र किया है हालांकि और ऐसे भी जानवर हैं जिनके पैर बहुत ज्यादा हैं कंगुखरू जो है हमारे खास पांच पैर उसके हुआ करते हैं उसके पांच पैर होते हैं और कितने ऐसे जमीन ही चलने वाले जानवर हैं जिसके कहते हैं हजार पैर उसके हजार पा पैर हुआ करते हैं और बहुत से जानवर हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने जो जानवर पैदा किए खुशकी और तरी में मा यशा जैसा अल्लाह तबारक तआला चाहता है जो चाहता है वो पैदा करता है इसमें किसी का को कोई दखल नहीं है जब किसी का कोई दखल नहीं है लिहाजा उसकी इबादत में भी किसी को कोई दखल नहीं होना चाहिए यहां पर अल्लाह ताला ने तीन किस्म के जानवरों का जिक्र किया इसमें बाद ने लिखा कि एक अजीब एजादी कैफियत है पहले अल्लाह ताला बयान फरमाया कि मिनहुम मयमसी अला बत और ये सबसे अजीब चीज है सबसे अजीब चीज है कि अपने पेट पर और ये जो जानवर चलते हैं उनकी सबसे पहली चीज भी है सबसे पहली चीज इंसान का बच्चा है पहले अपने पेट ही के बल घसीट करके चलता है मयमशी अला बतही वमिन मयमशी अला रिजलेन उससे काबिले ताजुब है कि इंसान दो पैर पर चल रहा है दो है कि जिनको मिली है कि किस कदर इंसान तेजी के साथ कितना बोझ उठाकर इसी दो पैर के ऊपर चल रहा है और उससे हल्के दर्जे की ताजुक बात क्या है वो चार पैर वाले हैं तो अल्लाह ताला ने जिसमें जितना उज और जिसमें ताज्जुब पाया जा रहा है अजय अजीब यानी आज, आज, जिसे कहने अजायब आज, का मामला पाया जा रहा है उसे मुकदम रखा है अल्लाह तबारक ने तो फमिन तबारक जो चाहता है पैदा करता है सिर्फ यही चार पैर तक महदूद नहीं है बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह ने बहुत से जानवरों को पैदा फरमाया है शुभ अल्लाह तबारक तआला हर चीज पर कादिर है अल्लाह ताला सिर्फ तीन दो, दो पैर वाले जानवर नहीं सिर्फ चार पैर वाले जानवर नहीं बल्कि इससे ज्यादा पैर वाले जानवरों के पैदा करने पर अल्लाह तबर तला क़ादिर है यह तमाम चीजें उसकी कुदरत के मधर हैं उसके बाद अल्लाह तबारक वाली लोगों को मतनबे कर रहा है खास तौर पर वो लोग जो बज़ाहिर तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन ईमान उनके अंदर नहीं पाया जाता अल्लाह लकद अनजल्ला आयात मुबैन ये मफहूम की आयत बल्कि इससे मिलती जुलती अभी थोड़ी देर पहले गुजर चुकी है दो तीन दर्ज पहले लक़द यकी हमने नाजिल किया है आयातिन मुबैनात ऐसी आयात को जो मुबैन हैं जो बिल्कुल वाज़ह हैं वाजह वजाहत करने वाली हैं जिनके अंदर कोई खिफा नहीं है अगर इंसान गौर करना चाहे तो वल्ला यशाओ इला उरात मुस्तकीम, और अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहता है सरात मुस्तकीम तरफ हिदायत देता है यानी आयतें तो वादे हैं लेकिन असल हिदायत का मिलना यह अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से है इसीलिए एक मोमिन को हमेशा अल्लाह तबारक तआला से हे सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करनी चाहिए और यही सिर है शायद कि हर नमाज के हर रकात में हमारे हमें और आपके लिए कहा गया कि हदरत सिरातल मुस्तकीम अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम جب نماز کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے جیسے کہ مائی عائشہ سوال کیا گیا کہ اپ کون سی دعا پڑھتے تھے تو اپ مائی نے بیان فرمایا کہ آپ یہ دعا اللهم ربي جبريل عالم الغيب, الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم तो अपनेक अपने के बारे में लोगों को का अख्तलाफ है या जिस बारे में लोगों का अख्तिलाफ है उस बारे में मेरी मेरी रहनमाई हक की तरफ फरमा इसलिए कि तू जिसको चाहता है हिदायत हक की तरफ हिदायत देता इन नात मुस्कीम अल्ला तबारक वाल तू ही जानता है कि तू जिसको चाहता है सरायत मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है लिहाजा तू हमें भी सरायत मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा अब तौहीद के इन दलायल के बाद तीन चार जो दलायल जिक्र किए गए उसके बाद अल्लाह तबारक लोगों की एक और किस्म का जिक्र कर रहा है जिनके बारे में बज़ाहिर तो मालूम होता है कि वो अल्लाह तबारक तआला के नूर से मुस्तनीर हैं वो रोशनी हासिल करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वो अल्लाह ताला के नूर से रोशनी हासिल नहीं करते और अल्लाह ताला ने उनकी दो एक अलामतें यहाँ पर बयान फरमाई है और ये चार पांच आयतों के अंदर है वो काबिल गौर है और हम में से हर शख्स से ये मुतालबा है कि हम उसके ऊपर गौर करें कि कहीं ये सिफ़ात हमारे अंदर तो पाई नहीं जा रही हैं कि हम अगरचे अल्लाह ताला के नूर से रोशनी हासिल करने का दावा कर रहे हैं लेकिन हकीकत में हम उसके में नहीं हैं अल्लाह ताला फरमाता है यकूलून और वो लोग कहते हैं ये वलकद वलकद्ला ही पर है यानी आयतें मुबैन से जो लोग मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं और वो लोग कहते हैं इशारा किस तरफ है मुनाफिक की तरफ है वक़ुल वसूली वना हम अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए वह आता आना और हमने इताअत की मालूम यह हुआ साथियों ये तीनों तीनों चीजें जरूरी हैं ईमान के लिए अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं पाई गई तो गोया वहां पर ईमान नहीं है पहली चीज क्या है आमन्ना बिल्लाह अल्लाह पर ईमान ले आना और सिर्फ अल्लाह पर ईमान ले आना काफी नहीं है जरूरी यह है कि अल्लाह पर वैसे ही ईमान ले आए जैसे कि उसका रसूल कह रहा है इसीलिए अमन नाबिल्ला व वबिर रसूली हम ईमान ले आए अल्लाह तआला पर वबिर रसूली और रसूल पर उसके बाद क्या है फिर यह भी काफी नहीं है वना हमने क्या ही इताअत की तो गोया ईमान के लिए ये तीनों चीजें जरूरी है सिर्फ ईमान कौल का नाम नहीं है जरूरी यह है कि उसके अंदर अमल भी पाया जाए तो वह यकूलू ना बिल्ला वो लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह ताला पर और अल्लाह के रसूल पर वह औका और हमने इताअत की लेकिन होता क्या है तो देते हैं लेकिन जब अमल का मामला आता है तो वो पीठ फेर लेते हैं वो उससे बेरुखी अख्तियार करते हैं वह वो ऐतवल्ला फरी उनमें से एक जमात यानी जो लोग कहते हैं उनमें से एक जमात क्या कहते हैं वह ऐतवल्ला तुम यरी मिनहुम ये इकरार कर लेने के बाद उनमें की एक जमात जो है वो पीठ फेर लेती है अपना रुख फेर लेती है वो इराद करते हैं वो किससे इराद करते हैं जाहिर बात है अल्लाह और उसके रसूल की इतना से जुबान से तो कह लिया किससे इराद करते हैं अमल से इराद करते हैं अमल उनके अंदर नहीं पाया जाता वह तो उनमें की एक जमात क्या है मिन दालिक इस इकरार के बाद इससे इराद कर लेते हैं यानी जुबान से कहते हैं लेकिन अमली तौर पर उसका सबूत नहीं देते अल्लाह फरमा रहा है नहीं है वमा उला इका और नहीं है वो लोग बिलमिन ममिन में से यानी उनका शुमार ममिन में नहीं है ममिन में उनका शुमार कब होगा जबकि अल्लाह पर ईमान रसूल पर ईमान और एत का इकरार कर लेने के बाद तवल्ला नहीं पाया जाएगा रुख नहीं फेरा जाएगा जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल कहेंगे हती इमकान इंसानी बश, बश बशर जो है इंसान की जो ताकत और हैसियत है उसके मुताबिक वो अमल करेगा तब तो वो मोबिन में होगा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वामा उलाई ये लोग मोमिन में नहीं है उसकी सबसे वादे दलील है कि इंसान कैसे जाने वो उसकी एक मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला कुरान मजीद में कि कैसे जाने कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद एराद कर रहा है उसकी एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है कि वही व रसूल ही और जब दू बुलाए गए पुकारे गए आवाज दी गई वही दादूरू और जब बुलाए गए अल्लाह की तरफ व रसूल ही और उसके रसूल की तरफ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ अल्लाह और उसके अहकाम की तरफ अल्लाह और उसके रसूल के फैसले की तरफ वही दादूर व रसूल ही क्यों बुलाए गए लिया कुमे नाकि उनके दरमियान फैसला कर दिया जाए ये उन लोगों की मिसाल है जिनके बारे में अल्लाह तला फरमाता है वमा उल के बिल्कुल ये लोग मोमिन नहीं है मैं बड़ी दर्द के साथ उन लोगों से यह गुजारिश करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का दावा करते हैं कुरान और हदीस के मुतबे होने का दावा करते हैं लेकिन जब इख्तलाफात का मामला आता है तो अपने फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक छोड़ करके अपने फैसले तागूत के पास और वजह कानून बनाने वालों के पास लेकर के जाते हैं वो जानते हैं कि मुझे अपना हक पूरा कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं मिलेगा किसी मुफ्ती के पास मौलवी के पास बैठेंगे तो हमारा हक नहीं मिल पाएगा लिहाजा उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें कुरान और हदीस के बारे में कोई इल्म नहीं रहता है वो खालिस लोगों के और दुनिया के बनाए हुए जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करते हैं कर रसूल ही लिया कुमार बई न और जब उन्हें बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्यों लिया कुंबई ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए चाहे तुम्हारे मीरात का मामला है चाहे तुम्हारे बाहमी अख्तलास जमीर का मसला है चाहे तुम्हारे निकाह और तलाक का मसला है चाहे जिसका भी मसला है लिया बुलाए गए, अल्लाह और उसके ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए तो होता क्या है इदा तो उनकी एक जो जमात है वो इराद करती है पीठ फेरती है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का फैसला नहीं चाहिए मौलवियों का फतवा हमें नहीं चाहिए हमें कहा चाहिए वो जो काद जज बैठा हुआ है जिसे इस्तंजा करने का मसला भी नहीं मालूम है उसके फैसले के ऊपर राजी होने के लिए जाते हैं अल्लाह तबारक वाली इससे मुतालिक मजीद और वजाहत कर रहा है जो इंशाअल्लाह हम अगली मस्जिद के अंदर रखेंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं असल वरहत लि वरकू सामयिन कराम हमारे और अवमी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की असलाह और आपके लिए सदकी जहारिया बन जाए व्हाट्सअप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं याकूब अजीज जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो एट नाइन फाइव नाइन सेवन जीरो सेवन व्हाट्सएप सवाल जो ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट उमरी जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स टू सेवन सिक्स डबल टू नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की तला आपको फौरी हासिल हो जाए तमाम दुरुस्त मकालत और सवाल जवाब सीरीज के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इस्लामी दवा डॉट काम का मुशाह करते रहें असल